नमस्कार, SSN सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने जून 2012 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2012 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 43 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, y डेल टू यू अपॉन में डेल x स्क्वायर प्लस x डेल टू यू डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज हाइपरबोलिक। इस टाइप के क्वेश्चन जून 2011 दिसंबर 2011 जून 2012 में कंटिन्यू पूछा जा रहा है एंड दिसंबर 2012 में भी आया हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंस है इसका। कुछ नहीं है, तीन कंडीशंस है, बता रखी है आपको, हर बार याद हो गई होगी। हमें क्या निकालना है, एस स्क्वायर माइनस 4 RT का मान निकालना है और हाइपरबोलिक के लिए एस स्क्वायर माइनस 4 RT क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। यदि ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हाइपरबोलिक होगा। अब यहां एस क्या है, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई का कोफिशियंट यहां कहीं नहीं है तो 0 माइनस 4। आर क्या है, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वाई, एंड टी क्या है, डेल टू यू डेल वाई टू का कोफिशियंट क्या है हमारे पास में, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा 4 तो पॉजिटिव है। अब ये जो माइनस एक्स वाई है ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। माइनस एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन 0 यदि हो जाए तो ये हाइपरबोलिक होगा। अब ये एक्स वाई देखो यहां नेगेटिव है, तो यदि ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव तभी होगा जब एक्स और वाई में से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव होना चाहिए। दैट मींस या तो हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 हो, वाई लेस देन 0, और एक्स हमारा लेस देन 0 एंड वाई हमारा ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये क्वाड्रेंट में है तो हम जानते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। ओके, यहां हमारा एक्स एक्स पॉजिटिव होगा, यहां हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों अल्टरनेटिव होने चाहिए। अब दोनों अल्टरनेटिव की देखो, इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एक तो यहां फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, नहीं चाहिए हमें, अल्टरनेटिव चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव हमारा सेकेंड में। तो एक तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट, तो द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट ही है हमारा, सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस था। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो दिसंबर 2012 में क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो कम थी, तो पार्ट बी में एक ही क्वेश्चंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी है। ओके, ज्यादा क्वेश्चन हमारे कैलकुलस ऑफ वेरियस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्टैटिक्स का है। ओके, उन सभी को मिला के हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनमें ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा दी गई, पार्शियल में कम रखे गए थे। तो पार्ट बी हमारा कंप्लीट। पार्ट सी का जो क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन है हमारा, ए बाउंडेड सॉल्यूशन टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले नोटेड बात है बाउंडेड सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए हमारा, बाउंडेड होना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो बाउंडेड होना चाहिए, वो हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, हम ऑप्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम वो ऑप्शंस लेंगे जो बाउंडेड हैं। अब ये यदि हम टी टेंस टू इंफिनिटिव करेंगे तो 0 आएगा, बाउंडेड है। यहां एक्स टेंस टू इंफिनिटिव करेंगे तो भी 0 होगा, टी टेंस टू इंफिनिटिव करेंगे तो भी बाउंडेड है।
एक्स टेंस टू इंफिनिटी पे भी जीरो, टी टेंस टू इंफिनिटी पे भी जीरो, तो ये भी हमारा बाउंडेड है, बट ये हमारा अनबाउंडेड होगा जैसे ही हम x टेंस टू इंफिनिटी करेंगे, तो ये इंफिनिटी पर टेंस करेगा, ये अनबाउंडेड होगा, ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। ये हमने बाउंडेड की कंडीशन से केवल हमने एक ऑप्शंस को ही डिस्कार्ड किया। अब बचे हुए तीन ऑप्शंस, अब इन तीन ऑप्शंस में हम एक एक के ऊपर टेस्ट करेंगे, जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बाउंडेड भी है, दैट मीन्स वो सोल्यूशन होगा। तो हम ऑप्शन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, हमने यू एक्स टी माना माइनस और ई की पावर माइनस टी, हमें डेल यू अपॉन में डेल टी करना है, तो डेल यू डेल टी का मान क्या होगा, माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, तो ई की पावर माइनस टी, और डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये एक्स का है नहीं तो जीरो बनेगा हमारा, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट हम जीरो लिख सकते हैं। अब डेल यू अपॉन डेल टी का मान क्या है हमारा, e की पावर माइनस टी, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस टी, और राइट हैंड साइड में ये जीरो और e की पावर माइनस टी, तो e की पावर माइनस टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ऑप्शन सेकेंड की बात करें, ऑप्शन सेकेंड में है हमारे पास में यू एक्स टी की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस टी, यहां हम डेल यू डेल टी करेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स तो होगा कांस्टेंट, e की पावर माइनस टी का माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी, माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी। अब डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे, e की पावर माइनस टी कांस्टेंट, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस टी, ओके ये तो कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ये आएगा, और डेल टू यू डेल एक्स टू की वैल्यू बनेगी हमारी, इसका एक बार और करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस टी। अब यहां हम वैल्यू पुटअप करें तो डेल यू अपॉन में डेल टी का मान है हमारा माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस टी, और डेल टू यू का मान है e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस टी प्लस e की पावर माइनस टी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, ओके ये हमारी इक्वल नहीं होगी, दैट मींस ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्यों, बाउंडेड तो है बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, ऑप्शन थर्ड में हमें यू एक्स टी का मान दिया हुआ है e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस टी, हमें डेल यू डेल टी का मान निकालना है, ये जीरो बनेगा, माइनस e की पावर माइनस टी, डेल यू डेल एक्स का मान होगा हमारा माइनस e की पावर माइनस एक्स, और डेल टू यू डेल एक्स टू का मान बनेगा माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास में वैल्यू आई e की पावर माइनस एक्स, डेल यू अपॉन डेल टी का मान है माइनस e की पावर माइनस टी इक्वल्स टू, यहां e की पावर माइनस एक्स और प्लस e की पावर माइनस टी। अब ये भी एक दूसरे की इक्वल नहीं है, e की पावर माइनस एक्स आ रहा है कहीं नहीं है, ये माइनस का ये प्लस का तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल होंगे, ये बाउंडेड तो है लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तीन ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए, एक ही ऑप्शन बचा हमारा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 94 है हमें, इफ यू एक्स टी सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके यू एक्स टी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, देन यू एक्स टी कैन बी द फॉर्म, तो यू एक्स टी इनमें से किस फॉर्म में होगा, तो इसे हम सॉल्व करें। यहां हमें दिया हुआ है डेल टू यू डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम फोर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू यू डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इसे लिख सकते हैं हम फोर डी स्क्वायर माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, वेयर डी है हमारा डी डेल अपॉन में डेल एक्स एंड डी डैश है हमारा डेल अपॉन में डेल टी,
इक्वल्स टू जीरो, तो हम क्या करते हैं, डी को तो हम एम में कन्वर्ट करते हैं और डी डैश को हम वन लिखते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी 4m² - 1 = 0, इंप्लाइज करके m की वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस माइनस 1/2। ओके, तो यहां जो इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा हमारा, वो सॉल्यूशन होगा जिसका हमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो यहां पे आ जाएगा। हमारे पास में दो कांस्टेंट होंगे C1 phi 1, यहां जो डी डैश ले रहे हैं हम, जो डी डैश ले रहे हैं वो वैल्यू तो t है प्लस m, और जिसको हमने d लिया है, d में हमने क्या किया x, तो ये बनेगा mx। एक तो हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी। अब यहां m का मान क्या है हमारे पास में 1/2, तो एक बार तो हमने m का मान रख दिया 1/2 प्लस c2 phi 2 t, एक बार हमने m का मान रखा माइनस का 1/2, तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू कन्वर्ट होगी c1 phi 1, ये बनेगा हमारा x प्लस 2t लिख सकते हैं इसे, और ये 1/2 हमारा यहां c1 में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास में कांस्टेंट है तो एक और फंक्शन बन जाएगा हमारा, फंक्शन यहां 1/2 है तो भी ये फंक्शन है इसमें इंक्लूड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट का, बता रखा है आपको, तो ये भी हमारा c2, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको f1 मान लो, और ये बना हमारा c2 f2, यहां हमारे पास में ये बन जाएगा हमारा, यहां माइनस भी हम कॉमन ले रहे हैं x - 2t, तो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास में वैल्यू आएंगी, ये कांस्टेंट इफेक्ट नहीं करेगा, यहां हमें केवल फॉर्म पूछा है उसने कि किस फॉर्म में होगा, हमें फॉर्म दिख गया कि x और t में क्या रिलेशन है, x और t के जो कोफिशिएंट है वहां t का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से ट्वाइस है, तो यहां t का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से ट्वाइस है, x प्लस 2t जैसा फंक्शन होगा है हमारे पास में, x माइनस 2t ये रहा और x प्लस 2t हमारा ये रहा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। यहां हमारे पास में x² - 4t² फॉर्म में है जबकि हमारे पास में ये फॉर्म है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, देखो यहां 2 यदि हम कॉमन ले लें, हमने कहा कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यदि हमने 2 कॉमन लिया तो x - 2t बनेगा, और यहां तो x + 2t दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट होगा। यहां अपोजिट कर दिया, यहां अपोजिट कर दिया, अब इस x प्लस 2t से आप 2x - t नहीं बना सकते, यदि आप इसको 2 से मल्टीपल करोगे तो ये 4t बनेगा, हाफ नहीं होगा, तो यहां अपोजिट ही फॉर्म है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो क्वेश्चन 94 के राइट आंसर हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड थे। तो दिसंबर 2012 में पीडीई का जो लेवल था वो वेरी इजी लेवल था, और यहां 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, तीनों ही हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।